की वरिष्ठ और प्रख्यात लेखिका कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 को पश्चिमी पंजाब के गुजरात में हुआ गुजरात शहर जो अब पाकिस्तान में है, इनकी शिक्षा लाहौर शिमला और दिल्ली में हुई कृष्णा जी से पहले हिंदी साहित्य में लेखिकाओं की उपस्थिति कम ही दिखाई देती है अपने लंबे साहित्य सफर में इन्होंने कहानी उपन्यास संस्मरण और निबंध लिखे उनकी शब्दों के आलोक में नामक पुस्तक शब्द चित्रों की अत्यंत सराहनीय कृति है आधुनिक भारत के इतिहास के संकटों और सवालों से जूझने का सार्थक प्रयास इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार और अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है इनका जीवन जीने सोचने और लिखने का एक खास अंदाज है जो इनकी शख्सियत की पहचान है आइए आपको रचनाकार कृष्णा सोबती से रूबरू कराते हैं नमस्कार नमस्कार। हमारा काम है कि आप जैसे रचनाकारों से रूबरू कराना उन्हें। तो किताबों के माध्यम से तो हम उनको रूबरू कराते ही हैं, लेकिन जिन रचनाकारों को हम पढ़ाते हैं उनको टीवी के माध्यम से रेडियो के माध्यम से अध्यापकों से और बच्चों से उन रचनाकारों से रूबरू कराएं तो हमें और अच्छा लगता है आपकी जो हम हसमत पुस्तक है जितना आपने लेखकों पर रचनाकारों पर हिंदी उर्दू पंजाबी के लेखकों पर आपने लिखा है इतना और वैसा किसी ने नहीं लिखा तो है जितना आपने लिखा है उसमें एक मियाँ नसरुद्दीन का चरित्र भी आया है हमशमत में वो मियाँ नसरुद्दीन का चरित्र क्या इस तरह कि नानबाई सचमुच आप उनसे मिली और इतनी तरह की रोटियाँ होती है यकीन नहीं होता है कई बार जी मैं उनसे मिली मैं दिल्ली में दिल्ली एक न कि सिर्फ राजधानी और है जी है दिल्ली की पिछला इतिहास जो है हमारे पूरे इतिहास से जुड़ा हुआ है तो पुरानी दहली को देखना अपने आप में मुझे नई दिल्ली ने सिखाया मैं नई दिल्ली की बहुत हूँ लेकिन उसमें देखा कि जो पुराने शहर है जो पुराना शहर है कदीमी शहर है वो कैसा है और जो जामा मस्जिद है वो इस शहर की बहुत ही हाँ। एक बहुत हाँ। ही सघन बस्ती है जी जी। मैं पहली बार जब नसीरुद्दीन साहब से मिली तो उनको देखा मैं उधर मठिया महल के रास्ते से जा अच्छा, रही थी वो जो गलियां हैं वो मेरी देखी हुई है अच्छा, सब अच्छा। तो वहाँ जा रही थी तो एक साथ बैठे हुए बैठे हुए वो एक लड़का आटे को जी, जी, माचा था ओ, और वो अपने खामोशी से बैठे हुए देख आ, रहे हैं उसके चेहरे पे कुछ अजीब चीज थी मैंने उसको फॉलो किया तीन चार दिन उन्होंने मुझे घास में डाली और कहा कि नहीं साहब जो आपको बाघर खानी आ, चाहिए कुछ भी चाहिए ओ, ले जाइए हमसे बातचीत नहीं कीजिए हमारे पास इतना वक्त नहीं है अखबार नवीसों का वक्त नहीं है हमारे पास <laughs> जी आपने उसमें लिखा भी हाँ, है हाँ। एक दिन वो मु, उनका मूड आ गया तो मैंने जो सवाल किए साहब मैं ये आपको बता सकती हूँ एक बड़ी लंबी जिंदगी जी है बहुत अनम लोगों को देखा है लेकिन ऐसा ऐसा संवाद ऐसी भाषा और इतनी छने हुई चीज़ें मैंने कहीं नहीं देखी बाजार के अंदर बैठे हुए अपनी जिंदगी को एक खास ठी पे जीते हुए जी, जी, जो उसने एक विजडम जो एक सहज ज्ञान उनके पास था उससे मुझे अपने तक भी शर्म आई एक लेखक होने के नाते भी और जब मैं आखिरकार जब मैंने वो छाए रहे मेरे ध्यान में काफ़ी देर के बाद मैं फिर वहाँ गई और देखा वो वैसे ही बैठे हुए और वैसे ही अपने इतमान से मैंने लिखा मुझे अब भी अपने दिल में इस बात का बहुत ही एहसास है कि मैंने उनके शब्दों को इस्तेमाल किया उनके संवाद को इस्तेमाल किया और ये ये हषपत का टुकड़ा जो था ये छप भी गया और जी, इसको वो सराहा भी किया पर मैंने उनको कॉपीराइट के तौर पे उनको कुछ नहीं पहुंचा सकी जब मुझे इस बात का ख्याल आया तब तक वो जा चुके ये जो जबान है ये उन लोगों की जबान है जो हाथ से काम करते हुए सोचते हैं इसमें किसी आइडियोलॉजी की बात नहीं है वो जो शब्द हैं वो जो अल्फाज हैं वो मेरे पास नहीं थे मैं अगर चाहती कि मैं कल्पना से मियाँ नसीरुद्दीन को जिंदा कर लूँ तो हो नहीं सकता था लेकिन जे अभी मैं कह रही थी कि हम लोगों को झिठाई भी बहुत गहरी होती है मैंने सोचा कि जब मैं अटक ही गई हूँ यहाँ पर तो मैं इनसे बात ज़रूर करके कर रहूँ आपने तो अपने शब्दों के माध्यम से जिंदा कर दिया उन्हें देखिए उनको आपने अमर बना दिया ऐसा आपने उनका शब्द चित्र खड़ा किया है कि कोई क्या करेगा यानी कि रोटी बनाना भी ये कितनी बड़ी कला है साहित्य ही कला नहीं है और जैसा आपने उनको सामने रखा है वो तो अद्भुत है और उसी में जो हषमत मियाँ हैं आपको ये हषमत मियाँ के बारे में आप उनको ऐसा एक चरित्र आपने खड़ा कर दिया उनका हाँ. अपने पैरल हम हशमत नाम से तो आपको ये चरित्र कैसे सूझा और कितनी नज़दीकी आप उनसे महसूस करती हैं या कितनी दूरी आप बनाए रखती हैं कि वो हाँ. एक अलग शख्सियत लगे जी ऐसा था कि मैं एक, एक शाम एक ऐसी पार्टी में थी जहाँ सभी साहित्यकार मौजूद थे और वहाँ देखा आ, कि क्या कुछ संवाद चल रहा है जो हम ऊपर से कह रहे हैं नीचे कुछ और है क्योंकि हमारे सारे बुद्धिजीवन समाज में सोचने की काफ़ी गहरी आदत है और जैसे हम अपने शिष्टाचार में अपनी बातचीत में आपसे कुछ कह रहे हैं लेकिन जैसे आप मुझसे पूछ रही हैं उसके नीचे एक बहुत बड़ी पूरी जो श्रृंखला है सोच की जी उसको एक्स उसको उसकी परीक्षा लेने की उसको पढ़ने की वो मौजूद है आपके शब्दों में तो ये जब मैं घर में लौटी शाम रात को आ, काम करती हूँ मेज़ पे बैठी तो वो सारे जितनी बातचीत थी वो मेरे ध्यान में, में आई और तब मैंने न जाने क्या हुआ कुछ हुआ मेज़ पे कि एकाएक मुझे लगा कि इस कमरे में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ मुझ में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ मैं वो नागरिक भी हूँ जो पूरे समाज के साथ संवाद करता है और ये शब्द कहाँ से आ गया ये मुझे अभी तक भी ख्याल नहीं क्योंकि इसके पहले ये शब्द मैंने ये नाम सुना नहीं था हषमत जीरो लेकिन मैंने उसको उसी वक्त उस पार्टी की बात मैंने कलम की हषमत्य हस्ताक्षर के साथ और हषमत हस्ताक्षर जो थे वो अपने तरीके से मेरे हस्ताक्षर से अलग हो गए क्योंकि उसका सोचने का तरीका भी काफी अलग था आपने तो एक नया लेखक खड़ा कर दिया हशमत के माध्यम से तो वो तो दिखाई देता है आपने साहित्य में नए नए प्रयोग तो किए ही हैं लेकिन जो आपने अपनी भाषा में प्रयोग किए हैं नए किस्म के जैसे आपकी भाषा में जो रवानी है पंजाबी है उर्दू है अंग्रेजी है हिंदी है उसको उस भाषा को बड़े ही नहीं बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं तो ऐसा आपने भाषा में चमत्कार कैसे पैदा किया यह सुन में चमककार मेरा नहीं है हुआ ये कि मैं 1925 की पैदाइश हूँ जी हाँ जी पिछली क्षति की पहली चौथ पर और मैं जैसे ही पैदा होने का टाइम जो वक्त होता है वो भी कभी इतना महत्वपूर्ण होता है कि मैं ननिहाल गांव में पैदा हुई जबकि मेरे माता पिता दिल्ली शिमला में थे और जो हमारा अपना अपना ख़ानदानी घर था वो गुजरात में था तो देखिए गांव, फिर गुजरात एक बहुत पुराना शहर जो अंग्रेज़ों ने 100 साल के बाद उसको हथियाया था दो दफ़ा लड़ाई हुई दो में अंग्रेज़ हार गए थे और एक पे वो जीत गए तो 100 साल के बाद मेड्रोस में आने और बंगाल में आने के बाद उन्होंने उसको खत्याया और उसके बाद दिल्ली और शिमला ये सारे बिल्कुल एकदम शहराती वो गांव और एक ख़ास तरह का वक्त जो राजनीतिक तौर पे भी जबकि ये संघर्ष जारी थे एक वो तो, ये सारी जो भाषाओं का जो टकराहट थी ये आपके ए, बे इकट्ठी हो गई हाँ। और सबसे बड़ा जो चीज़ थी वो थी विभाजन और साथ में आज़ादी ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ ऐसी मिली हुई थी कि आप ये नहीं कह सकते थे कि हमारे इतने नुकसान हो गए हैं हम लोग जख्मी हो गए हैं हमारी धरती छूट गई है लेकिन जहाँ ये देखते थे कि आज़ादी वो जो चीज़ थी वो अपने आप में इन दोनों भाषाओं को एक टकराहट में देती थी एक संस्कारी ये था कि हम सब कुछ छोड़ चुके हैं और दूसरा ये था कि हम एक नई जिंदगी शुरू करना चाहिए तो ये जो भाषा व्याकरण की है खाली वो भाषा नहीं होती भाषा बनती है टकराहटों से इसीलिए आपने देखा होगा जो सीमांत के लोग हैं उनकी भाषा झगड़ों से नहीं सिर्फ ट्राहटों से आपका ये नुकसान आपका वो नुकसान और फिर भी देखिए कि वो जो चीज़ें एक दूसरे के साथ अलट पलट होती हैं जिन लोगों ने पार्टीशन के बाद बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे हुँ। उस चीज़ को बिल्कुल जिंदा किया उन लोगों की भाषा में उर्दू की रवानगी की थी क्योंकि वहाँ उर्दू भाषा वैसे तो देखिए उर्दू और जो पर्शियन है वो हमारी भाषा में बहुत गहरे तक जमी हुई है हमारे हजारों शब्द हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं लेकिन अब वो हमारे हमारी अपनी भाषा की अपनी बोलियों में समझता है तो ये जो चीज़ है ये एक उस वक्त की बात है ये ऐसा कि मेरे चार अकाउंट खुल गए भाषाई एक गांव का शहर का फिर राजधानी का फिर नई राजधानी का ये सब तो वो चीज़ आप उसको अंदर समेटते हैं लेकिन उसके लिए उसकी मट्टी का होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको उसको ग्रहण करने की ताकत दे सके हमको देखिए मुझे अभी भी लगता है मैं आप, आप आपके सामने ये मानना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी हिंदी कमज़ोर है नहीं नहीं, नहीं।, नहीं। उसकी वजह है हमने हिंदी पहली भाषा की तरह नहीं पढ़ रखी ये तो देखिए, जो हिंदी का जो एक किस्म से प्रचार और प्रसार अंग्रेजों के वक्त पे हुआ शिमला और न्यू दिल्ली में वो ये था कि एक किस्म से प्रोटेस्ट के तौर पे, एक विरोध के तौर पर जी, जी, देखिए इस भाषा की सबसे बड़ी खूबी ये है हालांकि आजकल हम इस भाषा को कुछ और बना रहे हैं हम हाँ, इस भाषा को समझौते की भाषा बना रहे हैं जी, जी, जी। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कमजोरी हाँ, है किसी भी भाषा हाँ। हाँ। की शिमला एक सरकारी जगह थी लेकिन वहाँ धीरे धीरे इस बात का एहसास भी जगाया गया कि देखो तुम्हें अपनी भाषा को भी आगे करना है और तभी ये हुआ कि जो आ, जिसे कहते हैं जो गवर्नमेंट की लाइब्रेरीज थी उसके अंदर हिंदी के भी कुछ किताबें और पत्रिकाएँ आती लगी तो वहाँ पर इस बात का ये था कि अपनी भाषा को सरासर ऊपर उठाइए हिंदी अंग्रेजी के मुकाबले में जी अब फिर आप देखिए कि अंग्रेजी के आतंक के साह में हिंदी फिर ऊपर नहीं उठाई जा रही है नीचे चली जा रही है जबकि उस समय कोशिश की थी हिंदी को उठाने की अब तो हिंदी ही नहीं आप सोचिए तमाम भारतीय भाषाएं, और विश्व की कई भाषाएं मर रही है तो आप बताइए कि इन सब भाषाओं का भविष्य क्या होगा क्योंकि भाषा के साथ एक संस्कृति जुड़ी रह और हम लोग सब सदमे में हैं हम चाहते हैं कि आप कुछ हम लोगों का नेतृत्व तो करें कि कैसे इन भाषाओं को बचाएँ हिंदी को बचाएँ कैसे किया जा सकता है जी देखिए ऐसा लगता है कि इसके ऊपर हमें कुछ दोबारा सोच अपनी बदलनी पड़ेगी जी क्योंकि अंग्रेजी अपना सिर्फ अंग्रेज़ों की भाषा है वो सारे विश्व के जो कार्यकारी भाषा है सारे विश्व की और अब अंग्रेज़ी हमारी भारतीय भाषाओं में शामिल है, हाँ। है उसके संविधान के अनुसार तो इसके साथ हम एक किस्म की कंपटीशन नहीं करना चाहते और ना ही हो सकती है क्योंकि जो अंग्रेजी का जो इस वक्त रुतबा है उसकी जो पूरी भूमंडलीय संस्कृति है उसके साथ बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है उसको अलग करना बिल्कुल मुश्किल होगा लेकिन एक बात जैसे आपने कही कि बहुत सी भाषाएँ जो है वो अपने आप को ऐसा समझ रही हैं कि जल्दी ही शायद जो ख़त्म हो जाएगी हम हाँ ऐसा सोचते हैं कि जिस वक्त अंग्रेजी का इतना बोल बाला था जी उस वक्त अगर हिंदी ऊपर हो गई ये जान के कि ये हमारी संपर्क भाषा है और ये हमारी भाषा है तो ये जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं देखिए वो हिंदी के सो तथाकथित जो हिंदी का आतंक उन पे था वो उस पे से बाहर निकल रही अब एक परस्पर, ता जो है वो देखने में आ रही है दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी और हमारी हिंदी में भी लेकिन जो आपने जिधर इशारा किया है वो है कि हिंदी को जो हम कर रहे हैं जी वो अच्छा नहीं कर रहे हम हिंदी को मात्र देखिए अगर अध्यात्म की भाषा बना देंगे इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी सारी दुनिया में है और हमारे यहाँ हमारे यहाँ ऐसे शक्ति मौजूद है कि वो एक भारतीय 22 24 भाषाओं के बारे में जानता है और चार पाँच भाषाएं समझ लेता है और दो तीन भाषाओं को अच्छे से काम कर लेता है देखिए बाहर के जो विदेश में कुछ ऐसे देश आप भी जानती हैं जो कि इस वक्त इस फिक्र में है कि जो भारत है उस पे इंग्लिश जानने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं अच्छी अंग्रेज़ी जानने वाले कि उनको ये महसूस हो रहा है कि वो भी इस दौड़ के अंदर हमारे साथ चलें ये हमारी ताकत है इस वक्त जी और जहाँ तक इसका ताल्लुक है हिंदी का ताल्लुक है देखिए हिंदी ठीक है क्या वो एक किस्म के व्यस्तता उस पर आ गई है हम बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन उसके साथ एक ये भी बात है कि हम उसको एक छोटा सा एक संकीर्णता का हाँ, दायरा हम, हम उसका छोटा बना दिया यानी आपके कहने का मतलब ये हुआ कि हिंदी को हम जब तक ज्ञान की भाषा नहीं बनाएंगे अनुशासन की भाषा विविध अनुशासनों की भाषा हाँ, नहीं बनाएंगे टेक्नोलोजी हाँ टेक्नोलॉजी की भाषा नहीं बनाएंगे तब तक केवल साहित्य की भाषा या बोलचाल की भाषा रख देने से तो हिंदी का विकास नहीं हो पाएगा हम लेखक हैं पर हम जानते हैं के साहित्य की जी। जगह जो है बड़ी छोटी रह चुकी है मीडिया के सामने लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारी जो भाषा है हमारे पास जो एक बड़ी सम्पन्नता है भाषाई इतनी भाषाओं की उसको हम हिंदी में ला सकते हैं देखिए अंग्रेजी में हिंदुस्तान में वो जितने भी साल रहे हैं दो तीन शतें उसमें उन्होंने एक पूरी डिक्शनरी बनाई है शब्दकोश जो उन्होंने हिंदुस्तान से जो शब्द लिए हैं भारत भारतीय शब्द जो है वो इंग्लिश में इस्तेमाल करने लगे हैं इसको कहते हैं भाषा की लचक और ताकत और हम जो एक स्कूल जो है हिंदी का वो सोच रहा है कि खाली हम इसको संस्कृत सकर करेंगे देखिए जो राधे राव की पत्नी है उन्होंने एक नॉवल लिखा था उसका नाम रखा बारी बारना खोल दो और उन्होंने अपने जितने संबोधन थे वो दक्षिण भारत के दिए हैं वो तो कुछ लोगों ने ज़रा से तेवर चढ़ाए कि ये ये तो इसकी जगह ये होना चाहिए इसकी जगह हमने कहा कि देखिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा सचमुच में हो तो जितनी भाषाएं हैं उनके संबोधन व शब्द जो हैं वो हिंदी में इस्तेमाल करने दो ताकि उन्हें भी पता लगे कि इस भाषा में हमारी भी जगह महफूज़ हाँ। है विभिन्न भाषाओं की रंगतें हम आपके साहित्य में देखते ही हैं आपके साहित्य में आपने पुरुषों पर स्त्री चरित्रों पर सब सब पर लिखा है लेकिन जो एक खास बात है स्त्री प्रसंग और स्त्री प्रश्न जो आपने उठाए हैं उन स्त्री प्रश्नों ने लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया है तो ये आपकी एक बड़ी उपलब्धि है एक लेखिका के नाते आप अपनी इस उपलब्धि को कैसे आंकती हैं <laughs> जी सच पूछिए तो इस वक्त ऐसा मालूम देता है जितना बड़ा सफर मेरा रहा है कि उसमें उपलब्धियों की काफ़ी कमी है लेकिन ये जो चीज़ है जैसे मित्र बंसानी जी जी जब वो इस तम, जब वो स्कूल ऑफ ड्रामा ने उसको प्रस्तुत किया था तो वहाँ जैसी भी ऑडियंस थी मुझे लगा कि कहीं कुछ ऐसे शब्द होंगे कहीं कुछ ऐसे वाक्य होंगे जिन पे ये लोग हंस देंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ये मेरा बहुत कड़ा इम्तहान था क्योंकि मैं भी उसको उस तरीके शहराती नज़र से देखती थी कि वो बहुत दिलचस्प है कि ये ये स्थित थी राजस्थान में पर मुझे लगा कि मुझे राजस्थानी ना तो इतनी अच्छी तरह समझ में आती है समझ में आती है स, आती थी लेकिन मैं इसको हैंडल नहीं कर सकती इसको मेरा इस भाषा को बहुत गहराई तक जानना ज़रूरी है उनकी देह भाषा के साथ जुड़ी हुई तो इसको काफ़ी सालों के बाद मैंने इसको यहाँ स्थित किया जो कि राजस्थान और पंजाब का बॉर्डर था ताकि इस भाषा से मेरे जो काम जो है मेरा सही हो सके हाँ। तो देखिए उसके वो जो चीज़ है वो ये है कि पहली बार जो दहिक स्तर से हाँ। वो अपने में कुछ सोच रही है आम तौर पर उस वक़्त बिना एजुकेशन के बिना शिक्षा के ये माना जाता रहा है कि औरत सोचने के काबिल नहीं हाँ आपने तो ऐसे समय में वो बातें उठाई जब स्त्री चेतना स्त्री दृष्टि या फेमिनिज्म का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था हाँ, यही आपकी बड़ी उपलब्धि है कि आप उतनी गहराई से उस समय सोच रही थी एक छोटी छोटी दो तीन बातें मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि आपके ज़माने की जो शिक्षा व्यवस्था रही है जिसमें से आप जैसे लोग भी उभर कर आए हैं और आज की जो शिक्षा व्यवस्था है आप उसमें क्या फ़र्क महसूस करती हैं जी ये बहुत बड़ा फ़र्क है इसमें एक तो ये है कि एक चीज़ ने एक तो समय की जो रफ्तार है उसने इसको तो बदला ही है लेकिन उस वक़्त जो एक ख़ास शिक्षा का ढांचा था जो कि मदरसों पाठशालाओं और ऐसी जगहों से आधी अधूरे शिक्षित और एक अंग्रेजी शिक्षा इन दोनों का उस वक़्त एक किस्म से एक तुलना थी उन्होंने कोशिश करके अंग्रेज़ों ने जो कुछ भी किया उसके अंदर उसका समावेश किया। लेकिन आज जो शिक्षा है वो इसलिए बदल गई है कि हमारे यहाँ जो सबसे छोटी पीढ़ी है जो जल्दी ही युवा हो जाएगी उसकी उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है और जो आपके ऊपर टेक्नोलॉजी का आतंक है और टेक्नोलॉजी की जो ज़रूरत है उसके साथ भी उन्होंने इसको मिला दिया है लेकिन कहीं पर एक जो व्यक्ति था जो बच्चे के अंदर वो अपनी चीज़ों को आ, अपने को उभार सकता था अपनी सोच को उभार सकता था उसकी जगह अब कम रह गई है क्योंकि ये सब करने के बाद उसको सिर्फ एक कि आपको आप पहुंचते कहाँ हैं प्रतियोगिता में कंपटीशन में कौन सी जगह है जहाँ आपको धंधा मिलेगा इस चीज़ से शिक्षा को काफ़ी हद तक अलग सा कर दिया गया जो कि एक ढंग से देखा जाए तो जो हमारी व्यवहारिकता है नई संस्कृति की जो कि बजारू संस्कृति है उसके लिए उसको तैयार किया जा रहा है दूसरी तरफ से वो जो चीज़ है कि उसके अंदर अपनी सोच हो वो कहा जा रहा है कि हम उसके लिए पूरा प्रोविजन कर रहे हैं उसकी जगह दे रहे हैं लेकिन वो जगह बाकी बचेगी कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता लेकिन ये भी सही है कि हमारे बच्चे जो हैं वो जैसे भी पड़े हैं वो बाहर बहुत अच्छा कर रहे हैं आप जो बातें कह रही हैं हम लोग भी वैसा ही सोच रहे हैं मैं छोटे छोटे दो तीन बातें जानना चाहती हूँ आप जो ये पोशाक पहनती हैं विशिष्ट लगती है तो इस पोशाक को क्या कहेंगे <laughs> जी ये ये तो बहुत आ, ही आकर्षक है ये, ये असल में ये बड़े होने की पोशाक है मैं गरारे भी पहनती रही लहंगे भी पहनती रही मेरी mm. सबसे बचपन में जब स्कर्ट्स के बाद मेरे माँ ने कहा कि अब तुम सलवार पहनोगी मैंने कहा मैं नहीं पहनूंगी। उन्होंने कहा देखो एक बनवा के देख दें मैंने दे जाके उसमें दर्पण में देखा आयने में मैंने कहा नहीं ये मैं कभी नहीं पहनूंगी मैं स्कर्ट्स के साथ शॉक्स और अगर मैं सलवार पहनूंगी तो उसके साथ मैं कमीज पहनूंगी उसके बाद जो मुझे सहूलियत का लगता है असल में ये इस पोशाक को मैंने तब पहनना शुरू किया जब मैंने एड़ी पहनना बंद किया और एड़ी पहनने का ये था कि गरारा जो है वो ऐसी चीज़ है कि वो नीचे लगती है बट मुझे फ्लेयर पसंद है फिर मैंने इसको खुद ही अपने आप डिस किया आपको अपनी खाली समय में क्या करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जी ये तो पूछेंगी तो आपको बहुत निराशा होगी। <laughs> वैसे मैं दस दस पंद्रह पंद्रह मील मैंने पहाड़ सारे पैदल भी किए हुए हैं लेकिन वैसे मैं आज जब काम कर रही होती हूँ तो मैं रात को काम करती हूँ सुबह सो जाती हूँ और दिन में मैं बिल्कुल ज़ीरो होती हूँ फिर शाम से मेरा ध्यान चलता है, से से है। से पर बहुत सी चीज़ें मैं लगभग जो भी चीज़ मेरे ध्यान में आई है मेरी माँ बहुत अच्छी घुड़सवार थी और मैंने घोड़े की सवारी भी खूब की है लेकिन तीन चार दफ़ा गिर गए अब वो कुछ नहीं हो सकता वो सारी जो चीज़ें हैं अब हमारे उससे बाहर है ये होता है कि कहीं गिर गए तो फिर क्या होगा <laughs> लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं आप जैसे एक वक्त पर फोटोग्राफ़ी बहुत और देखिए जो संडे बाज़ार है जामा मस्जिद पे लगता था अब वो बाहर लगता है राजघाट की तरफ वो उसको भी देखने का बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है आप देखिए पूरी संस्कृति देखते हैं खाली संस्कृति नहीं पूरी पिछली पीढ़ियाँ देखते हैं वो परिदृश्य जो है वो ऐसा भरपूर है जो चीज़ें फालतू हो जाती हैं इसी तरह आप यहाँ नागरिक होते हुए दिल्ली का नागरिक होते हुए कहीं भी हो आप आप जो देखते हैं कि कैसे एक परिदृश्य पर तीन चार पीढ़ियाँ जो हैं आपको नज़र आती हैं एक श्रृंखला में बंधी हुई लेकिन अलग अलग मगर एक देश के संविधान को जी रही हैं एक धरती के हवा पानी को जी रही हैं और वो अपने आप में आपको एक दूसरे के बहुत हाँ। लाता है और इसी को मार्फत दिल्ली में आपने बहुत सारे दिल्ली दर्शन कराया है <laughs> जिस दिल्ली को हम जानते नहीं थे उस दिल्ली को आपने मार्फत दिल्ली के माध्यम से दिखाया है क्योंकि <laughs> दिल्ली एक इतना लंबा चौड़ा उस युग से आप इस युग को जोड़ती रही हैं ये हमारे लिए आपकी नजरों से हमने उस दिल्ली को जाना आप है आपके लेखन से उसने आप सोच हो गई ये सब कुछ हनुमान जी ये जो पर्ख है ये तो शिक्षक -शिक में हो सकती है आलोचक में हो सकती है